हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज हम देखिए करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू ए बिगर स्फेरिकल ड्राफ्ट. ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो ये वीडियो का पार्ट टू है. देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसने 40 का है, मल्टीपल चॉइस 40. क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई. ठीक है, तो 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ले रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ आपके पास. 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियस के हैं, पोजेसिंग इक्वल चार्जेस कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप. ठीक है, इसके ऊपर इक्वल नंबर, इक्वल चार्ज है सबके ऊपर और कंबाइन होते हैं, एक बिग ड्रॉप बनाते हैं. देन द कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप इज. ठीक है, तो एक ड्रॉप के कंपेरिजन में जो बिगर ड्रॉप है उसका कितना कैपेसिटेंस होगा. तो देखिए आप जानते ही हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू एन पावर 1/3 टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप्स. ओके, देखिए इसने चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या होगा. अगर 8 ड्रॉप्स दिए हुए हैं आपके पास, उनको कंबाइन करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, दैट विल बी एन पावर 1/3 टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप. ओके, तो अगर 8 दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, एन की जगह पे 8 पुट कर देना है. तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स 8 हैं, तो 8 पावर 1/3 टाइम्स सी, दैट इज इसको आप 2 पावर 1/3 लिख सकते हो, पावर 1/3 इंटू सी, दैट इज पावर 3 और 1/3 का 3 कट. ठीक है, दिस इज ट्वाइस सी. ठीक है, तो बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा, ट्वाइस सी. ठीक है, यही चीज इसने निकाली हुई है. तो यहाँ पर इसने दिया था 8 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा या 32 टाइम्स. ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स. ओके, तो आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन सी था दैट वाज करेक्ट. एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 मल्टीपल चॉइस. कहता है अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, कंडेंसर हैज ए कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेरेड. तो 50 माइक्रोफेरेड आपके पास कैपेसिटेंस दिया है एयर में. ठीक है, व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर एंड 110 माइक्रोफेराड व्हेन इमर्स्ड इन एन ऑयल. तो किसी ऑयल में जब इमर्स करते हैं इस कंडेंसर को, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ के 110 माइक्रोफेराड हो जाता है. द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द ऑयल इज, तो जो ऑयल है, जो मीडियम है मतलब, तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो हमें के फाइंड करना है. ओके, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास होता है कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम. ठीक है, व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो दैट इज के टाइम्स, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ एयर, व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, तो यहां से आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हो, तो के क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन सी जीरो. ठीक है, तो यही वैल्यू इसने यहां पर लगाई है, के इज इक्वल टू सी एम अपॉन सी जीरो. सी एम का मतलब है व्हेन देयर इज सम मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, पहले कैपेसिटेंस था 50 माइक्रोफेरेड एयर के केस में. ठीक है, यानी सी जीरो कितना आपके पास, 50 माइक्रोफेरेड, 110 है मीडियम के केस में, तो सी एम कितना है 110 माइक्रोफेरेड, सी जीरो कितना है 50 माइक्रोफेरेड, 110 माइक्रोफेरेड अपॉन 50. ठीक है, माइक्रोफेरेड कैंसल्स विद माइक्रोफेरेड, 00 कट, 11 अपॉन 5. ठीक है, 5 2 10 पॉइंट 2 पॉइंट, फिर ये 10 बन जाएगा आगे, फिर 2.20. ठीक है, 2.2 आ जाएगा. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ऑयल का, 2.20. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आप निकाल सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 है नीचे आपके पास, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, कहता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है, सपोज ये हमने दो प्लेट्स ले लिया, तो कितना सेपरेशन है उसको हम स्मॉल डी लेते हैं। ओके, एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए, तो इन दोनों का कितना एरिया होता है, कैपिटल ए। ठीक है, व्हेन ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के ऑफ थिकनेस डी, ठीक है, तो टी इज लेस देन डी, तो मतलब इसके बीच में हम कोई स्लैब प्लेस करते हैं जिसका थिकनेस कितना है, स्मॉल टी, सॉरी। ठीक है, ओके, तो इसका थिकनेस है टी, और टी तो डी से कम होगा क्योंकि बीच में प्लेस किया हमने। इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स, ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना होता है, हमने देखिए ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता था आपके पास फॉर्मूला कितना होता था, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, जो हमारा वैक्यूम के लिए या एयर के लिए फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन जब बीच में आप एयर की जगह पे किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम को लाते हो, यानी डायलैक्ट्रिक स्लैब को लाते हो जिसका टी थिकनेस होता था, तो उस केस में इंक्रीज होकर आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, और इसी को दोबारा हम लिख सकते थे, टी यहां से कॉमन लेते हैं तो वन माइनस वन बाई के। ठीक है, तो इसी चीज को हम, तो ये है आपको ये आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है इसने। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए में इसने दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस टी इंटू वन माइनस वन बाई के, तो हमारे पास देखिए, हाँ ये ए ऑप्शन है। बी में दिया है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस टी इंटू वन प्लस वन बाई के, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसने बाहर दोनों जगह माइनस लिया है, दोनों जगह प्लस, तो क्या फॉर्मूला आपके पास, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो इसको आप अगर करना चाहो तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना आ जाएगा, दैट विल बी डी माइनस टी कॉमन लेते थे हम, तो टी गया कॉमन, वन माइनस वन बाई के, तो वन माइनस वन बाई के। ठीक है, माइनस यहां से कॉमन लिया तो यहां से माइनस बाहर जाएगा तो माइनस बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर वन बचता था, यहाँ पे वन बाई के, यहाँ पे माइनस गया बाहर, एक एक माइनस बचेगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो यही किया इसने, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड और इज गिवन बाय। ठीक है, तो बीच में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये फार्मूला आपका होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है ये, तो डायरेक्ट इसने जस्ट फॉर्मूला दिया है। ओके, नीचे चलते हैं, नीचे एक और क्वेश्चन है आपके पास जो भी आपका ड्रॉप्स के ऊपर है, जहां पर आप ड्रॉप को कंसीडर कर रहे हो एज एक चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप को कंसीडर करते हैं हम एज कैपेसिटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता है एट स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग सम चार्ज क्यू आर कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने दिए हैं आपके पास, एट। ओके, रेडियस हर किसी का रेडियस कितना है, ईच हैविंग रेडियस स्मॉल आर, तो आर की जगह पे आपको आर ही दिया है, एंड हैविंग सेम चार्ज, सबका चार्ज कितना है, चार्ज सबका सेम है क्यू। ओके, रेडियस सबका सेम है आर, चार्ज सबका सेम है क्यू, आर कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल्स टू द बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऐसे बोलना चाहिए था इसको, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप एंड दैट ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज। ठीक है, तो कितना रेशियो हो जाएगा बड़े ड्रॉप्स और छोटे ड्रॉप्स का, दैट विल बी, देखते हैं, तो आपको देखिए पोटेंशियल का पता है, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज गिवन बाई एन पावर टू बाई थ्री टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ईच स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, यही होता है, तो रेशो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू एन पावर टू बाई थ्री, तो एन कितना है, एट है, मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़े यहाँ पे कर लेता हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगा।
बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू एन पावर 2/3। ये फॉर्मूले आपको याद है ना, छोटे छोटे बिल्कुल, जो कैपेसिटेंस होता था बिगर ड्रॉप का, वो होता था एन पावर 1/3 टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। वैसे पोटेंशियल कितना लेते थे हम? वी बी बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल दैट शुड बी इक्वल टू एन पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। ओके, तो एन कितना आपके पास? 8। तो यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा? 8^2/3 टाइम्स वी। तो 8 कितना होता है? 2/3 होल पावर 2/3, ये 3 कट वी, तो 2V। ठीक है, तो वी बी, तो रेशो क्या आ जाएगा? वी बी अपॉन वी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वी बी अपॉन वी, क्या इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना? तो इसका मतलब वी बी इज 2, V इज इक्वल टू 2:1। क्लियर है? नहीं, यहाँ पर स्केयर है भाई, यहाँ पर स्केयर है। ठीक है, 2 का स्केयर अभी बचा हुआ है, ये 4 है, 4 अपॉन 1, तो रेशो आ गया 4:1। ठीक है, थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, ओके, तो ये 2 का स्केयर बचा हुआ था, 4 टाइम्स V 4:1, तो दिस इज वी बी इज टू, वी इज इक्वल टू 4:1, यानी 4 टाइम्स। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो, हाँ वैसे भी ठीक है, वी बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी, या वी बी इज टू वी इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, 4:1 वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है, ये हाँ ये ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल बिगर ड्रॉप का, अगर स्मॉलर ड्रॉप्स 8 कंबाइन कर रहे हो और ईच का पोटेंशियल है स्मॉल वी। ठीक है, इसी तरह एक और करते हैं बच्चों, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है यहां पे। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास 44, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्टिव है, एक एक लाइन वाले, इनमें तो जरूरत ही नहीं है आई थिंक इनको उतना करने की भी, बट करना चाहिए हमको। ठीक है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। कहता है 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एन कितना है? 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर चार्ज क्यू कोलेसोल। ठीक है, मींस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 स्फेरिकल बिगर ड्रॉप। ओके, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज लार्जर देन दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप बाय ए फैक्टर। ठीक है, तो हमको निकालना है कि पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप कितना है। तो आपको पता है दैट इज एन पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, तो एन कितना है? 1000, तो 1000 का पावर 2/3 कर लो टाइम्स वी, तो दैट इज इसका कितना होता है? 1000 कितना होता है? 10 का क्यूब, ठीक है, होल पावर 2/3, क्योंकि 10 × 100 × 1000, तो ये 3 और ये 3 कट टाइम्स वी, 10 का स्क्वायर 100 टाइम्स वी। ओके, तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप कितना आ गया? 100 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, ये पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर, हाँ ठीक है, ईच स्मॉलर ड्रॉप, तो 100 टाइम्स वी, तो कितना आ गया इनका फैक्टर? इसने बोला था कि पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज लार्जर देन दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप बाय ए फैक्टर। कितने फैक्टर से लार्ज है? 100 टाइम्स है ना, तो 100 टाइम्स वाला ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ओके, तो देखिए 1000 टाइम्स 100 10 1, ठीक है, तो बी ठीक है, 100 निकला हमारे पास, 100 टाइम्स बी, यही इसने भी निकाला, देखो सेम। ठीक है, एन की जगह 1000 पुट करिए, 1000 का 10 का क्यूब आ गया। ठीक है, इसको लिखना चाहिए था इधर, 10 का क्यूब, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10 का स्क्वायर 100 वी। ओके, तो बी वाज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो 45 है आपके पास, देखिए, व्हेन एयर इन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, द कैपेसिटी। ठीक है, तो जब एयर को हम रिप्लेस करते हैं पैरेलल प्लेट्स के बीच में, ठीक है, यानी कोई मटेरियल रखते हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक स्लैब एनीथिंग, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, द कैपेसिटी ऑफ द न्यू कैपेसिटर, यानी अब उस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है।
आपको पता ही है कैपेसिटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स सी जीरो, ठीक है, यहीं पर यहाँ लिखा हुआ इसने, ठीक है, कैपेसिटी इन केस ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू के टाइम्स द कैपेसिटी विदाउट मीडियम, ठीक है, दैट इज इंक्रीजेस के टाइम्स, तो बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, तो जितना सी होगा तुम कोई मीडियम यूज किया तो उसका डायरेक्टिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो जो नया कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, विद मीडियम दैट विल बी सी, दैट विल बी के टाइम्स सी, ठीक है, अगर के कोई आपने सपोज वाटर ले लिया या कुछ ले लिया तो उसका डायरेक्टिक कांस्टेंट लगाओ और सी का वैल्यू पुट करो तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है, द कैपेसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज बाई के टाइम्स, ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिया है इसने नीचे, इसको दिखाता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 46 है आपके पास, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46, कहता है 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग द कैपेसिटी सी एंड पोटेंशियल वी आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना दिया है, एन दिया है 64, इफ द चार्ज ऑन द स्मॉलर ड्रॉप इज स्मॉल क्यू देन द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप विल बी, तो सिंपल सी बात है, चार्ज तो कितना हो जाता है, चार्ज तो एन टाइम्स हो जाता था, अगर एन ड्रॉप्स होते हैं आपके पास तो चार्ज कितना होता था, ठीक है, एन ड्रॉप्स हैं तो बिगर ड्रॉप का चार्ज होता था एन टाइम्स क्यू, ठीक है, तो एन कितना है यहाँ पे 64, तो एन दिया आपके पास 64, तो बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी क्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स क्यू, यानी 64 टाइम्स स्मॉलर, हर किसी स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज दिया है स्मॉल क्यू, तो 64 टाइम्स क्यू हो जाएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है, तो इसने भी चार्ज ऑन वन ड्रॉप इज इक्वल टू क्यू, चार्ज ऑन 64 ड्रॉप इज इक्वल टू एन टाइम्स क्यू, यानी 64 टाइम्स क्यू, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, 1, 2, 3 वाले क्वेश्चन है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 47 है आपके पास, कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफेरेड, ठीक है, तो 15 माइक्रोफेरेड दिया है आपको कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर, मतलब जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, जस्ट एयर है, ये वैक्यूम बोल दो, ओके, तो एयर है बीच में, तो एयर के लिए हम जस्ट क्या फॉर्मूला लेते हैं, आपको पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, जब मतलब कोई एनी मीडियम, देर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो ये फॉर्मूला लेते हैं, ओके, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 6 mm, ठीक है, तो कितना सेपरेशन है, डी कितना लिया है 6 mm, ओके, तो उसको लिखना चाहो तो 6 × 10⁻³ मीटर करके लिख सकते हो आप, ठीक है, या 6 mm ही यूज करो, लास्ट में चेंज कर देना, अ कॉपर प्लेट ऑफ 3 mm थिकनेस, ठीक है, तो बीच में अब प्लेट्स के बीच में कोई एक मीडियम डाल रहे हैं, ठीक है, कॉपर प्लेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 mm का थिकनेस है उसका, तो 3 mm, इसको भी आप 3 × 10⁻³ लिखना चाहो, ठीक है, अदरवाइज अगर मिलीमीटर आपका क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता है तो जरूरत नहीं होता, बट अगर 1 mm कहीं रहता है तो फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, तो एक कॉपर प्लेट ऑफ 3 mm थिकनेस इज इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो थिकनेस और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है, और ऑलरेडी एयर कैपेसिटेंस, ठीक है, मतलब जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था तो वो आपको उस वक्त का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, ओके, तो थिकनेस 3 mm थिकनेस का हमने कॉपर प्लेट इंट्रोड्यूस किया सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटेंस नाउ बिकम्स, तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब सी कॉपर के केस में, ठीक है, यानी मेटल बोल दो या कॉपर, ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कॉपर या मेटल जो भी मेटल्स हैं उनका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स दैट इज उसका बहुत लार्ज वैल्यू होता है, ठीक है, वेरी वेरी लार्ज, आप इनफाइनाइटली लार्ज बोल सकते हो, तो अगर इनफाइनाइटली लार्ज मतलब जस्ट आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो, तो देखिए जो फार्मूला होता है तो वो क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के,
ये फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। अब इसने थोड़ा सा ट्रिक खेला हुआ है यहाँ पे, इसने देखिए एयर के केस में दिया है कैपेसिटेंस का दिया हुआ वैल्यू, तो हम भी यही करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, इस चीज़ का यूज़ करेंगे इस चीज़ को निकालने के लिए। ओके, अदरवाइज हमारे पास एरिया प्लेट्स तो है नहीं, ठीक है, जस्ट डी दिया हुआ है, ठीक है, एरिया प्लेट्स हमारे पास है नहीं। ओके, और के आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, के हमें पता है कि कॉपर का बोला गया है और कॉपर एक मेटल है, तो हम बोल सकते हैं के को इनफाइनेटली लार्ज, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप टी अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी आपको पता है जीरो होता है, ठीक है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी, तो ये फार्मूला आपके पास रिड्यूस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी के लिए, ठीक है। मतलब हमें ऐसे कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए यहां पर आप देखोगे इस फॉर्मूले को, तो कहता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो यहां पर प्रोपोर्शनल, ठीक है, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यहां पर है सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी माइनस टी। ओके, तो दोनों केसेस में थोड़ा सा ही फर्क है। ओके, तो देखिए इसने भी ऐसे किया हुआ है, इसने क्या किया है, यहां पर आप देख सकते हो, देखिए इसने क्या किया है, एयर के लिए लिया ये, इसका मतलब सी एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई डी। ओके, और वैसे ही इसने मेटल के लिए भी लिया ये, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि डी माइनस टी प्लस टी बाई के कहाँ गया, ठीक है, तो वो जीरो हो गया क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी हुई जब हमने डायलेक्ट्रिक्स और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो वहां पर हमने सब एयर वैक्यूम के लिए कितना लेते हैं कि मेटल्स के लिए वाटर डायमंड ग्लास ऑल दीज थिंग्स तो हमने पढ़ा हुआ। तो सी एयर इज दिस एंड दिस, देखिए यहाँ पर सी मेटल्स को भी आप कह सकते हो क्योंकि दोनों केस में जो एरिया ऑफ द प्लेट्स है, एयर के केस में भी और यहाँ पर भी, दोनों केस में वो दैट विल बी कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी जो सी मेटल है यानी कॉपर के लिए कैपेसिटेंस दैट इज वन अपॉन डी माइनस टी। ओके, तो उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम इस चीज का और इसका रेशो करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। देखिए आप इस चीज का और इस चीज का रेशो कर लीजिए, ठीक है, तो करते हैं, चलिए क्या आता देखते हैं। तो देखिए सी कॉपर के लिए, ठीक है, दैट इज सी कॉपर अपॉन सी एयर के लिए, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए और ये एप्सिलॉन नॉट ए कट, ये बन जाएगा वन अपॉन डी माइनस टी इन टू डी अपॉन वन, ठीक है, ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी वन अपॉन डी माइनस टी इन टू डी बाई वन, तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास डी अपॉन वन, ठीक है, डी अपॉन डी माइनस टी। अब डी का वैल्यू और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सी कॉपर अपॉन सी एयर, तो आपके पास सी कॉपर इज इक्वल टू सी टाइम्स एयर इन टू दिस, ठीक है, तो इस चीज को हम यहां से उठा के इधर ले जाएंगे, आगे दिखाता हूं मैं आप, तो कितना आ जाएगा सी कॉपर इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी टाइम्स सी एयर, ठीक है, तो डी अपॉन डी माइनस टी कितना आता है, इसको डी कितना दिया हुआ था 6 mm, ठीक है, जैसे यहां पर भी देखिए इसने दिया हुआ डी है 6 mm डी माइनस टी, तो ये आ गया 6 mm, तो ये 6 mm माइनस 3 mm, टी 3 mm था, तो 6 mm माइनस 3 mm इंटू सी एयर, ओके, दैट इज सी कॉपर, तो सी कॉपर इज इक्वल टू कितना हो गया 6 mm को नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो 6 minus 3, 3, तो mm ऊपर नीचे से कट हो जाएगा दोनों का यूनिट, टाइम्स सी एयर, तो 6 upon 3 हो गया 2 times C air, ठीक है, तो एयर के केस में कितना कैपेसिटेंस दिया था, एयर के केस में कितना कैपेसिटेंस दिया था, दैट वाज, हाँ उसने दिया था वो 15 microfarad, ठीक है, तो ये दिया हुआ था आपके पास 15 microfarad, तो यही चीज यूज करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना आता है, यानी
टू टाइम्स 15 माइक्रो फैराड, दैट इज 30 माइक्रो फैराड, दैट इज सी कॉपर के लिए 30 माइक्रो फैराड। तो आपको ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, यही चीज निकाली है इसने, ठीक है। इसने जस्ट रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी कर दिया है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर दोनों को सी कॉपर अपॉन सी एयर करके, ठीक है, दैट विल बी सी कॉपर इज इक्वल टू सी एयर टाइम्स दिस, ये जो भी कैंसिल होता है तो कर सकते हो, दैट इज सी कॉपर इज इक्वल टू डी बाई डी डी माइनस टी टाइम्स सी एयर। तो डी का वैल्यू भी है, टी का वैल्यू भी है, पुट करो, और सी एयर का वैल्यू 15 माइक्रोफेरेड पुट कर दीजिए, ठीक है, सी एयर 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी उसके कम से कम 5-6 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली एंट्रेंसेस के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बहुत बड़ा लंबा चलने वाला है ये, इसमें कम से कम 4-5 वीडियो तो बनना चाहिए, और उसमें काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम पोस्ट करेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिक्स्ड कैपेसिटेंस, ठीक है, जब दोनों कंबाइन केस में हमारे पास दोनों यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस का किया हो और साथ में ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हो, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।